आज का हमारा विषय है बाल विकास, विकास की परिभाषा तथा उसकी अवधारणा। किसी भी बच्चे की जो मानसिक, उसकी भावनात्मक, उसकी सामाजिक और जो बौद्धिक आदि पक्षों में जो परिपक्वता होती है, उसे बाल विकास कहा जाता है। परिपक्वता से तात्पर्य ये है कि व्यक्ति के विकास की उस अवस्था से है जिसके पश्चात उसकी वृद्धि और विकास की संभावना रही रहती है। विकास में वे सभी परिवर्तन शामिल है जो जीवन भर चलते हैं। यह एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती है। विकास में सभी परिमाणात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन शामिल है जो आजीवन चलते रहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि विकास वृद्धि के बाद भी चलता है तथा विकास के बिना वृद्धि का कोई अर्थ नहीं होता है। विकास की अलग-अलग जो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने अलग-अलग परिभाषा भी दी है। जैसे हरलोक के अनुसार विकास की जो प्रक्रिया है, वो बालक की गर्भावस्था से उसकी मृत्यु तक एक क्रम में चलती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर भी पड़ता है। और इन्होंने कहा है कि विकास का तात्पर्य बढ़ने से नहीं है, इसका तात्पर्य है व्यवस्थित तथा समानुगत परिवर्तन से है जो परिपक्वता से लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर होता है। गेसेल के अनुसार विकास प्रत्यय से अधिक है, इसे देखा जा सकता है तथा जांचा जा सकता है। किसी सीमा तक मुख्य तीन दिशाओं में इसको जांचा जा सकता है, जैसे किसी शरीर की अंग विश्लेषण, उस शरीर का ज्ञान तथा उसका व्यवहारात्मक जो मापा जा सकता है। ड्रेवर के अनुसार विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी निश्चित लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता है। बालक की दो प्रकार की जो अवस्था है, पहली वृद्धि होती है और दूसरा विकास होता है। तो जो वृद्धि होती है और विकास होता है, इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? तो जो वृद्धि होती है उसका समरूप ब्राय होता है, बाहरी तरीके से उसको देखा जा सकता है कि उसका कितनी वृद्धि हो पाई है, जबकि विकास आंतरिक होता है। वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है, जबकि विकास आजीवन चलता रहता है। वृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है, जबकि विकास शब्द का व्यापक अर्थ होता है। वृद्धि में कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, जबकि विकास में एक निश्चित क्रम होता है। वृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, जबकि विकास की एक निश्चित दिशा होती है। वृद्धि को मापा जा सकता है, जैसे उसकी ऊंचाई, उसकी लंबाई तथा उसका भार, जबकि विकास को मापा नहीं जा सकता है। उसकी बुद्धि कितनी है, उसको मापने के लिए कोई यंत्र नहीं है। वृद्धि विकास का एक चरण है, जबकि विकास में वृद्धि भी सम्मिलित है। प्रत्येक व्यक्ति के विकास के निश्चित प्रारूप होते हैं, जबकि जो वृद्धि होती है उसके प्रारूपों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं।